गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में एक और आदिवासियों के मरांग बुरु पारसनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। यहां आने वाले लोगों को देश की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। सोमवार को सुबह 7:30 बजे गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह जानकारी धनबाद रेल मंडल के DRM कमल किशोर सिन्हा ने दी है। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और झारखंड के भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी थी। इसमें मांग की गई थी कि रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पारसनाथ स्टेशन पर दिया जाए। सांसदों की मांग पर रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, गिरिडीह में जो पारसनाथ में जो अब वंदे भारत रुकेगी, हरी झंडी दिखाई जाएगी वंदे भारत को 2 सितंबर से, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण आप इसे कह सकते हैं, और कई मायनों में जिस तरीके से इस वंदे भारत ट्रेन का ठहराव पारसनाथ स्टेशन में कल से होगा, ये अपने आप में जिले वासियों के साथ साथ जो लोग पवित्र तीर्थ स्थल जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है जी। उस तीर्थ स्थल में लोग आएंगे, और रांची वंदे भारत ट्रेन जो है कल से उसका ठहराव सुनिश्चित किया गया है। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के जो प्रदेश मंत्री है संजीव कुमार और गुड्डू के द्वारा प्रदेश प्रभारी आदरणीय जो प्रदेश प्रभारी रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया था, जिसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा, जिसके बाद यह ठहराव जो है अब कल से होने वाला है, जिसकी स्वीकृति रेल मंत्रालय ने दे दी है, और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जो लोग इस रेलवे रूट लाइन पर सफर करते हैं, ट्रेन से आते हैं, उनके लिए एक और सुविधाजनक यात्रा हो गई है, जिसमें कल से वंदे भारत ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित हो चुका है, और इस ट्रेन के ठहराव से यात्रियों को सुविधा होगी ही। लेकिन ये पारसनाथ स्टेशन इसलिए भी ख्याति प्राप्त है क्योंकि जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और आदिवासियों का जो मुख्य प्रार्थना स्थल है, जहां उनके भगवान है मरांग गुरु, वो दोनों तीर्थ स्थल को लेकर जो है ठहराव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इस ट्रेन के ठहराव से लोगों में काफी खुशी है। और कल जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यहाँ के सांसद, तो लोगों को उम्मीद है कि इस ट्रेन के ठहराव से यात्रियों को सुविधा तब मुहैया हो जाएगी जब ट्रेन के ठहराव को सुनिश्चित हो गया, और अब यात्रियों को आने जाने में काफी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी इस ट्रेन के ठहराव पर पारसनाथ स्टेशन पर। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।